बर्फ है ये पूरी, ये बर्फ है पूरी, ये कितना डल गया ये भाई साहब। ओ भाई देख के लो जी, अब वेन्यू से ऑटो पे आ चुके हैं। स्पीड का चलान था तो आप समझ ही सकते हो कौन चला रहा था गाड़ी। नोट ज्यादा है तेरे पास है? वेरी गुड मॉर्निंग, बड़िया राम राम, छोटे प्यार, हाजी ना थोड़े सामने फिर तो एक बार चेकआउट करके निकल रहे हैं मनाली की तरफ। अभी तो कसोल में हम, हिमाचल प्रदेश, पिछले पार्ट्स में आपने देखा होगा। तो ये कुछ होटल था अपना और ये कुछ नज़ारे हैं, वो दूर पहाड़ों पे बर्फ है, पास वालों पे नहीं है। अब मनाली पे देखते हैं बर्फ मिलती है कि नहीं। इशिता ये नाम लिखा हुआ है इसने और आज इसका है बर्थडे। तो इसकी बर्थडे ट्रिप की, बर्थडे की वजह से हम ट्रिप पे आए हैं ताकि इसको घुमाना था इसके पेरेंट्स ने। इधर आ, आज तेरे बर्थडे पे कौन कौन आया है ये बता। देख रहे हो ये होता है पवित्रता का सबूत, समझ रही है? तेरे मामा ने निभाई है पवित्रता, पवित्र रिश्ता, समझेगी नहीं? कोई नहीं आया, ना तू ना तेरा भाई ना तेरे मम्मी पापा कि छोड़ो बच्ची का बर्थडे क्या नाना, लेकिन नहीं तेरे मामा ने कहा नाना ही नाना है, समझी? नाई नहीं है तू, नाई नहीं है तू यार, मेरी पवित्रता में भंग मत डाल। ये बर्फ है ये पूरी, ये बर्फ है पूरी। तो चाहे यहाँ पे ऐसे बर्फ नहीं पड़ी लेकिन काफी ठंड होती है, रात को माइनस में टेम्परेचर होता है। लो जी ये हमारा लगेज है, इसके नीचे भी है सामान, ये मत समझा। हाँ खाली ये मत ना, इसके नीचे भी बैग है, पीछे एक और अटैची है। चलो जी करो बंद ये। पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको टेस्ट सही आता है। अब आगे हाईवे पे हमको कोई बढ़िया मिले ना मिले मनाली तक, तो जैसे मैंने बताया मनाली ट्रैवल करेंगे आज, तो दिल्ली से हम कसोल आ गए थे, एक नाइट कसोल में स्टे करी, अब यहाँ से हम जाएंगे मनाली, मनाली टू नाइट स्टे करेंगे, फिर वापसी करेंगे दिल्ली की ओर। ऑर्डर दे दिया है परोंठों का, पंजाबियों का परोंठों के बिना कहाँ सरता है, तो परोंठे खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये फैमिली रूम मिला था, दो डबल बेड, ये देखो जी ये है जी अपना रूम, दो डबल बेड। तो ये रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे सीजन हो ऑफ सीजन हो। तो लो जी पंजाबियों के परोंठे आ चुके हैं चाय के साथ। कल रात को हमको पता लगा, मतलब दिल्ली से जब हम कसोल आ रहे थे तो बीच में पड़ता है मंडी रास्ता, और कौन सा था वो, सुंदर नगर एरिया आता है, तो वहाँ पे हमारा हो गया चलान गाड़ी का, मतलब तो हमको मतलब फिजिकली नहीं पकड़ा, बाद में मैसेज आया और स्पीड का चलान था तो आप समझ ही सकते हो कौन चला रहा था गाड़ी, आपका भाई, और वो भी हुआ 1500 रुपये का। तो मुझे लगा था फिर जीजू देंगे नहीं अब गाड़ी, लेकिन फाइनली ये फिर अब हो जाए तो हो ही जाए। अब ये भी नहीं कि 500 का हो 600 का हो, सीधा 1500 रुपये का मैसेज आया। वो इसमें क्या आएगा, अभी गाड़ी भी दिखा रही है, आईसी कंडीशंस पॉसिबल, ड्राइव केयरफुली, और इसमें 4 डिग्री दिखा रहा है, फोन में दिखा रहा है 0-1 डिग्री। अब धूप निकल रही है ना तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रात को तो माइनस हो जाता है। चलो जी हनुमान चालीसा लगा दी है, तो जय श्री राम, निकलते हैं चलें। जय माँ झंडे वाली की बोल, सांचे दरबार की जय। कुछ और बुलवाना चाहो तो जयकारा लगा। ये देखो जी अल्टो का कैसे हिला हिला के डाल रहे हैं ताकि नस नस में उसके पेट्रोल चला जाए। ये डल गया ये भाई साहब, ये बार हिला रहे ठीक है, आपको भी करना है ऐसे वेन्यू को।
और भाई जे बात बाहर नहीं आता भैया, आज ही पूरी जिंदगी का डलवा लेंगे इसके अंदर पेट्रोल। मतलब 3100 का हो गया इनका, हिला के ज्यादा आया था होता है ऐसे। अच्छा जी, आप भी कर लो। जितना एक धक्के पे 100 रुपए का फालतू। अब हम दिल्ली से चल डलवा के चले थे कसोल, अब बस एक दो पॉइंट रह गए थे, अब फिर यहाँ से फुल करवा रहे। था जी हॉट एयर बैलून, बस मनाली रह गए 19 किलोमीटर और सब खरीदना पड़ेगा। वो पीछे रो रहा है, हॉट एयर बैलून चाहिए। मतलब उसमें झूलना नहीं है, चाहिए अपना और बर्फ रील्स देख देख के ऐसे दिखा रहे हैं कि बर्फ पे बर्फ चढ़ी पड़ी है, इतनी तेज धूप निकली हुई है। पिछली बार ये पिछले साल बारिशों में जो तबाही मची है, ये सारा रोड तोड़ ताड़ के ले गया पानी। अभी देखो नदी का बिल्कुल प्रेशर नहीं है, सूखी हुई नदी लग रही है, और उस समय कितना ही पानी आया होगा। तो लो जी पहुंच गए हैं अपना मनाली होटल। अब होटल हंट चालू है हमारा, कितने का है कितने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्री बुकिंग नहीं करा रखी। तो लो जी वो देख लिया पिकाडली होटल, बट वो कॉस्टली बता रहा है, 2 रूम लेने पड़ेंगे, 1 रूम में एडजस्ट नहीं करते हम, 3 बंदे अलाउड होते हैं। तो मैंने कहा एक कपल आए जिसके 2 बच्चे हैं, जैसे अभी हैं दीदी जी, कह रहा उसको हम स्वीट रूम देंगे 7500 रुपये का, तो वो चीज़ समझ नहीं आई। बर्फ तो पड़ी हुई है मनाली में, ये देखो इधर भी है और उधर भी है, होटल्स के मतलब पार्किंग एरिया में साफ सुथरी बर्फ पड़ी हुई है। मैं भी एक बार ट्राई करते हैं होटल न्यू नीलवर्थ। ये टाइम वेस्ट होता है अगर प्री बुकिंग ना कराई हो ना, तो होटल हंटिंग में बहुत टाइम लगता है। ये भी देख लिया है जी, बट हमें सही सा नहीं लगा, ऐसे ही पुराने से बने पड़े। ये 3000 का फैमिली रूम दे रहा है, 2000 का सिंगल। अब और आगे चलते हैं फिर, और क्या करें। वो देखो कहाँ से आ रहा है, मैं बैठूंगा आगे। पहुंच गए हैं मनाली में, रूम ले लिया आखिरकार। 1.5-2 घंटे हमारे वेस्ट हुए, कभी इस होटल में देखो उस होटल में देखो, लेकिन फिर ये हमें बजट वाइज भी और साफ सुथरा होटल मिल गया। तो अब यहाँ से फ्रेशन अप होके मुँह हाथ धो के चलते हैं। धूप देखो कितनी तेज है पहाड़ों पे, रील्स में दिखा रहे हैं वहाँ पे बर्फ 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 तो पड़ रही है, लेकिन उतने बुरे हाल नहीं है जितना रील्स में दिखा रहे थे। वो 1-2 फरवरी को पड़ी थी तब बुरे हाल थे, अब तो कड़ाके की धूप है, मतलब खड़े रहें तो टैनिंग हो जाए। तो अब मुंह हाथ धो के चलते हैं मॉल रोड मनाली लोकल घूमते हैं, दिखाते हैं आपको भी। अब जैकेट वगैरह पहन ली है, अब जाने लगे हैं मॉल रोड मनाली हडिम्बा टेम्पल वगैरह। तो जैकेट पहन लें ताकि ठंड ना लगे, गाड़ी में तो चल जाता है बट वैसे नहीं चलता। तो चलते हैं, अब गाड़ी नहीं भी जा रहे, ऑटो से जाएंगे। अब ऑटो आता है फिर पूछते हैं। और सोलांग वैली में इतना कह रहे हैं कि रोड बंद है, 4x4 गाड़ियाँ होती हैं ना, जिप्सी थार ये सब, तो वो जा रही है, ये ऑल्टो फल्टो या जैसे हमारी गाड़ी है नॉर्मल वो नहीं जा सकती। तो देखेंगे कैसे जाते हैं, वो कल का प्लान है, अभी तो मनाली घूमते हैं। तो चलो ऐसे साफ करते हैं यहाँ पे, वहां से बर्फ उठा के रोड पे फेंक दो, अपने आप पिघल जाती है पानी में। लो जी अब वेन्यू से ऑटो पे आ चुके हैं। अब जा रहे हैं मॉल रोड, अपनी गाड़ी निकाली थी जाम में फिर पार्किंग में। तो लो जी पहुंच गए हैं वन विहार। ओ भाई देख के
ध्यान से आना। ये है जी वन विहार मनाली, और टाइमिंग ये है 9 से 8, 9 से 5 विंटर में 50 पर पर्सन। तो ये कुछ है जी यहाँ पे, अंदर वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, रिफ्रेशमेंट पॉइंट, बोटिंग पॉइंट भी है, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है, आउटडोर जिम भी है। ये यहाँ रैबिट हैं, ये जम गई है। तो चलो जी बोटिंग करते हैं। ओहो ये तो जमा पड़ा है। देखो बोटिंग पॉइंट तो बंद है। भाई मेरा चश्मा छोड़ दे, वो रोने लग गया। ये मेरा चश्मा गिरा नीचे और वो ले गए। अब फोन ले दो तुम। लो अब भाग गया बदतमीज। सुई गोद के ना खाने चक्कर में रहन दो, का झूठा बूटा है, फेंको इसे, फेंको नहीं जाएगा। अरे छोड़ो परे, नोट ज्यादा है तेरे पास है मेरा तो मैं तो उठा लेती 4000 का चश्मा मेरा। भाई साहब उस कुत्ते को पता नहीं क्या हुआ है, वो देखो हर किसी के पास जा रहा है ऐसे एकदम से दौड़ता हुआ यहाँ से। कुछ अपने हाथ में रख लो। उसको लगा कि कुछ खाने की चीज गिरी है नीचे। बच्चा डर गया। अब जी यहाँ वन विहार देख लिया, वन विहार से बाहर आते ही ये खा लें भुट्टा अपना। आ रहे हैं ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टेंपल में। तो यहाँ पे भी पूरा ग्राउंड मतलब देखो स्नो से भरा हुआ है। अब आगे चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, देखते हैं मॉल रोड या हडिम्बा टेम्पल, क्योंकि कुछ खाना भी है, भूख भी लग रही है। तो आ जाएं, वो पीछे रह गए, फिर चलते हैं। यहाँ पे भी रास्ता पूरा स्नो वाला है। यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है मोनेस्ट्री में, 10-10 रुपये ले रहे हैं सिर्फ, मतलब एक नंबर यूज़ करने के, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो चाहे बच्चा जाए बड़ा जाए 10 रुपये, तो मतलब दूसरा काम करने जाओगे बमबारी तो शायद 50 रुपये। मनाली मॉल रोड के पास है ना, तो फिर उसी अकॉर्डिंग पैसा है। ये है जी सिड्डू मनाली का। दाल की दाल के साथ ड्राई फ्रूट है, बच्चों के टेस्ट से है, तब मैंने मसाला नहीं डाला इसमें। पहुंच गए हैं मॉल रोड, यहाँ से स्टार्ट है अपना मॉल रोड। रोड है और मॉल रोड के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। अपने आप लगा पड़ा है शीशे में बातें करने। हैप्पी बर्थडे मनाने लगे हैं इशिता का, हैप्पी बर्थडे। तो लो जी अब मॉल रोड घूम लिए पूरे, अब चल रहे हैं रूम में, ये ऑटोज में जिस पे आए थे वैसे ही जाएंगे। ये इन्होंने शिवलिंग बना दिया यहाँ पे बर्फ का, इतनी बर्फ गिरी होगी यहाँ पे जैसे ये साइडों पे देख रहे हो आप,
उन्होंने अपना दिमाग लगा के शिवलिंग बना दिया। ले शीता हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये ले थैंक यू। हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली हिमाचल प्रदेश। चाय पी जा रही है व्यू के साथ। व्यू आपको मैंने दिखाई दिया, और कल रात का व्लॉग एंड करना भूल गया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी ही डेड हो जाती है शाम तक। तो आज देखते हैं पावर बैंक लेके चलेंगे, आज कुछ चेंज करते हैं। बाकी ये देखो, ये नीचे सारे टूरिस्ट लोग बर्फ़ से खेल रहे हैं। तो ये पार्ट यहीं एंड करते हैं। आज कहाँ जाएंगे वो अगले पार्ट में आपको पता लग ही जाएगा। तब तक के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। स्टे सेफ स्टे हैप्पी। बाय बाय। जय हिंद। रब राखा।